मैं आपका ध्यान एक तरफ खींचता हूँ। जैसे एक फर्म है, मतलब ह्यूमन राइट्स की एक एक ब्रांच है, OHCHR, मतलब ऑफिस ऑफ द हाई हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ये स्विट्जरलैंड जिनेवा में बेस्ड है। अभी कुछ समय पहले US में इलेक्शन हुआ था। US इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे। उसका मेजर कारण ये था कि ब्लैक लाइव्स कैंपेन एक चलाया गया, ब्लैक लाइव्स मैटर एक कैंपेन चलाया गया, ब्लैक लाइव्स मैटर। एक जॉर्ज फ्लॉयड नामक एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी, उसे एक पुलिस वाले ने मार दिया था। तो पॉइंट ये है कि इस मामले को ना तूल दिया, मतलब OHCHR ने एक तरह से एंडोर्स किया, डायरेक्टली एंडोर्स नहीं किया, एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि ये ब्लैक लाइव्स मैटर और उसके जॉर्ज फ्लॉयड का जो भाई था फिलोनॉइस फ्लॉयड, उसका पूरा स्टेटमेंट, पूरा डिबेट, वो कैसा फील कर रहा है, उसके सेंटिमेंट्स आप आज भी देखेंगे ना OHCHR.org, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, तो पेजेस डेडिकेटेड हैं उस पे। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि हम लोग है ना हर काम पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी पे करते हैं, मतलब हम पॉसिबिलिटीज पैदा करते हैं। कुछ श्योर नहीं होता कि ये ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा ही, बट इससे चांसेस ना बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि कुछ ह्यूमन राइट्स वाले जो हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मतलब अभी स्विट्जरलैंड जिनेवा में बेस्ड है इनका हेडक्वार्टर, स्विट्जरलैंड जिनेवा में। ओके, तो स्विट्जरलैंड का देखिए इंडिया से जो कनेक्शन है ना, स्विट्जरलैंड इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर है, साउथ एशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर स्विट्जरलैंड का इंडिया इंडिया है। ठीक है, और स्विट्जरलैंड इंडिया को 17.4 बिलियन स्विस फ्रैंक्स का एक्सपोर्ट करता है। इंडिया स्विट्जरलैंड को 1.8 बिलियन स्विस फ्रैंक्स का एक्सपोर्ट करता है, जैसे केमिकल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल वगैरह। ठीक है, और स्विट्जरलैंड ने 5 बिलियन स्विस फ्रैंक्स इंडिया में इन्वेस्ट किए हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये जो यूनाइटेड नेशंस जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, आप अगर इन लोग को अप्रोच करें ना, सिर्फ एक को अप्रोच नहीं करना है, कई लोगों को अप्रोच करना है। आप जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। ठीक है, अब करप्ट लोग हर जगह हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं। तो इन लोगों को अगर आप अप्रोच करेंगे ना, किसी एक को नहीं, कई लोगों को अप्रोच करिए, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आप सही लोगों से कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, अब जैसे OHCHR के कुछ ईमेल्स, जैसे आप देखिए ये स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं, OHCHR की जो मेन है उसका नाम है मिशेल बेसलेट। ओके, मिशेल बेसलेट, इसके ईमेल आईडी देखिए आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, पहले 4 ईमेल आईडीज, इनको आप मेल करिए। उसके अलावा आप 5वें नंबर पे, जैसे देखिए एक कंप्लेंट प्रोसीजर यूनिट है ह्यूमन राइट्स, इट इज बेस्ड इन जिनेवा, इसका CP@OHCHR.org, ये सारा रुपेश भाई आप डिस्क्रिप्शन में दिखा दीजिएगा, अभी शायद लोगों को देखने में दिक्कत हो रही हो। तो ये जो है ना ईमेल आईडीज, ये सारे ईमेल आईडीज पे आप लोग मेल कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग अब तक सरकार को या यहाँ के सेलिब्रिटीज को अप्रोच कर रहे हैं 7-8 साल से, उससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रही है ना, पॉजिटिव रिजल्ट तो आई नहीं। तो इसलिए अपना अप्रोच थोड़ा चेंज करिए, इन लोगों को मेल करिए। ठीक है, मेल एकदम बेसिक मेल होना चाहिए, मतलब टू द पॉइंट, लंबी कहानी मत लिखिए कि इन्होंने क्या किया। जैसे मैंने आपके ट्वीट्स में बहुत देखा है कि इन्होंने 50 साल से बहुत ह्यूमैनिटी की सेवा की वगैरह, ये सब मैं मतलब इररिलेवेंट डिटेल्स, जबरदस्ती के डिटेल्स मत लिखिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी मई में एक ऑर्डर पास किया, मई 2021 में, कि मैं उसका आपको क्लॉज सुनाता हूँ। उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स दे नीड टू रिलीज द इंडियन प्रिजनर्स टू डीकंजेस्ट द प्रिजन्स, मतलब जो जेल है उसमें बहुत भीड़ है इस कोरोना वायरस पैंडेमिक में, तो आप जो प्रिजनर्स जिनको मेडिकल एड चाहिए उनको बेल दे दीजिए, बेल पे छोड़ दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसके बाद भी ये स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं छोड़ रही है, मतलब क्या रीजन चाहिए? एक तो मैंने अभी ये ट्विटर पे देखा था, आसाराम बापू, ये ट्रेंड हो रहा था कि ये कोविड पॉजिटिव हो गए थे। जैसे आपने जी बोला कि क्यों नहीं छोड़ रही है, वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि क्या मेल करने से वो लोग कुछ करेंगे, जो विदेश में बैठे हुए हैं वो लोग कुछ करेंगे, कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी थोड़ा फोकस डालिए आप, ये सवाल जब जी रहे हैं। जी देखिए, उससे देखिए एक प्लान के थ्रू मेल करिए,
प्लान के थ्रू मेल करना है। मतलब ऐसा नहीं कि बस मेल कर दिया और लंबा कहानी लिख दी, टू द पॉइंट मेल करिए। और उसमें जब जैसे मान लीजिए आपको 15-16 कुछ ईमेल आईडीज दिए हैं, ठीक है, उनमें से एक एक मेल लिखिए, सबको आपको मेल करना है, और हर मेल में आपको सीसी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रखना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इससे होगा ये ना, एक रिवर्स साइकोलॉजी उसमें एक्ट करेगी। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे देखिए मुझे मान लीजिए कुछ काम कराना है, किसी से काम कराना है अपने फर्म के किसी ब्रांच से या किसी और से, और मैंने कहा कि ये काम कर दो, वो 10 मिनट का काम है, मगर वो कर नहीं रहा है और कह रहा है कि मैं कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा। तो मैं उसके मैनेजर को ना सीसी में रख देता हूँ कि ये मेरे को फ्राइडे को आप करके दीजिए, ये मुझे फ्राइडे को चाहिए, तो वो करके देता है। मतलब इससे एक प्रेशर होता है। तो बस इस रिवर्स साइकोलॉजी के तहत आप यूएन वालों को मेल करिए, यूएन वालों को सीसी में प्रेसिडेंट को रखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी दिखेगा कि इतने सारे लोग यूएन को अप्रोच कर रहे हैं, ओएचसीएचआर को अप्रोच कर रहे हैं। उन लोग, ये इंडियन गवर्नमेंट को ना अच्छे से पता होगा कि ओएचसीएचआर ने एक बड़ा रोल प्ले किया था ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन में, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे, ठीक है, उनको पता होगा अच्छे से, इनको सब पता होता है। तो पॉइंट ये है कि इंडियन प्रेसिडेंट को आप सीसी में रखिए। अब इंडियन प्रेसिडेंट जब आप मेल करेंगे ना, इंडियन प्रेसिडेंट को दिखेगा कि इतने सारे लोग उनको मेल कर रहे हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि यूएन एक्ट करे उससे पहले ही ये लोग हरकत में आ जाएं, ये हो सकता है। नहीं तो भी यूएन के जिन एग्जीक्यूटिव्स को आप मेल करेंगे ना, वो लोग सीधे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, कि ये सब हमें मिल रहा है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, काइंडली अपडेट व्हाट इज द करंट स्टेटस, वो पूछ सकते हैं, ठीक है। पॉइंट ये है कि अभी तक जितने भी लोगों को आप अप्रोच कर रहे हैं ना, जितने भी आपके मतलब जो ट्रेंड करते हैं, वो उन लोगों को अप्रोच कर रहे हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के अधीन हैं। ऐसे लोगों को अप्रोच करिए जो इंडियन गवर्नमेंट को डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई डिपेंडेंसी नहीं है इंडियन गवर्नमेंट पे कि इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलेगी, इन्हें खुश रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। खुश अगर रखना भी है तो इंडिया को, स्विट्जरलैंड को हो सकता है खुश रखना हो, ठीक है। अब जैसे आपको ईमेल आईडी दिखाता हूँ, 5th ईमेल आईडी और 6th ईमेल आईडी आप देखिए, ऊपर अगर आप स्क्रॉल करें, अब जैसे यूनाइटेड नेशंस में देखिए, कंप्लेन प्रोसीजर यूनिट का एक ईमेल है, एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है ओल्डर पर्सन के लिए, 6th वाला ईमेल देखिए, ओल्डर पर्सन के लिए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है। तो ये लोग जो है, ये ओल्डर पर्सन के राइट्स के लिए ही है, ठीक है। और इसमें कुछ और ईमेल आईडी है, वो प्रिजनर्स के राइट्स को देखते हैं, मतलब प्रिजनर्स हैव गॉट अ फंडामेंटल राइट, उन लोगों का राइट टू एग्जिस्ट, राइट टू लाइफ उनका है, ठीक है। अब जब ये कहा, इसका ये मतलब नहीं कि वो दोषी है तो उसे कम राइट है, या निर्दोष है तो उसे ज्यादा राइट है। फंडामेंटल राइट टू एग्जिस्ट, फंडामेंटल राइट टू लाइफ, फंडामेंटल राइट टू मेडिकल एड, ये सब है। और क्योंकि उसका हनन हो रहा है, जैसे आपने अभी बताया, आप ब्लू मास्क की बात कर रहे हैं, अभी कोरोना पॉजिटिव ये हुए थे तो उनको छोड़ा क्यों नहीं, बेल पे छोड़ा क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद क्यों नहीं छोड़ा, ये क्वेश्चंस ये उठा सकते हैं, बिकॉज ये ह्यूमन राइट्स वाले, इनका काम ही है ये करना, ठीक है। वो ये नहीं देखेंगे कि ये जस्टिस हो रहा है या इनजस्टिस हो रहा है, उनका काम है ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस को स्टॉप करना, ये चेंज है। हम लोग वहां जस्टिस नहीं मांग रहे हैं, हम वहां से रिलीफ मांग रहे हैं, आप समझे। जैसे विष्णु तिवारी के केस में हमने रिलीफ मांगा तो पूरा इन्वेस्टिगेशन वगैरह थोड़ा समय लगा, बट पॉइंट ये है कि वो हो गया, ठीक है। इसमें भी आप रिलीफ मांगिए, है ना, आप उसमें मेल में आप ये सब मत लिखिए कि वो सही है गलत है, ऐसा ऐसा हुआ तो ये हो नहीं सकता, नहीं, आप रिलीफ मांगिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप उनको रिलीज करिए बेल पे, 85 इयर्स के हैं, कोरोना पॉजिटिव थे, व्हाट एल्स डू यू वांट टू नो। मतलब ये मेल में लिखिए, उनको रिक्वेस्ट करिए यूएन वालों को, सीसी में प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट को दिखना चाहिए क्या बात हो रही है, ठीक है। ये एक है, ये ईमेल जो होता है ना, ये ऑफिशियल होता है, मतलब रिस्पॉन्ड करना ही होता है। मुझे किसी और डिपार्टमेंट का अगर मेल आ गया ना, मान लीजिए मुझे एचआर वालों का मेल आ गया, प्रोडक्शन वालों का मेल आ गया, तो मुझे अपने कलीग को फॉरवर्ड करना होता है। मैं आपको एक उदाहरण से समझा रहा हूँ, एनालॉजी से, कि ये वर्क करता है, ऑफिशियल होता है। अब जैसे ट्विटर कैंपेन है, आप लोग ट्विटर कैंपेन भी चलाते हैं, वो ट्विटर अगर आप वो हैंडल्स दिखाएं तो उस पर भी हम लोग बता सकते हैं। अब जैसे देखिए, ये ऊपर पहले 3-4 ईमेल्स, हाँ ये जैसे ये हैं यूएन, यूएनएचआरसी वगैरह, ये सब जो है ना ट्विटर हैंडल्स हैं, ये वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स हैं। इसके 1 मिलियन 2 मिलियन चौथे नंबर पे देखिए, चौथे नंबर का ट्विटर आईडी,
नीचे आइए थोड़ा जी। अब जैसे ये मिशेल बेसलेट है, मैं इसकी बात कर रहा था, ये चीफ है, इसके 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं इनके, ठीक है। तो आप इनको मेल करें, इनको आप ट्विटर पे टैग करिए, मेल तो कर ही रहे हैं, इनको ट्विटर पे आप टैग करिए, ठीक है, ये सबको टैग करिए, इनका यही काम है, मगर इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, ठीक है। ये बस मिशेल बेसलेट है, इनका सिर्फ 8 लाख फॉलोअर्स है। अब जैसे ये 8वें और 9वें नंबर पे आप देखेंगे ना, तो 8वें और 9वें नंबर के जो एग्जीक्यूटिव्स है ना, इनके अकाउंट्स तो वेरीफाइड है। 8वें नंबर पे 3500 फॉलोअर्स हैं लगभग इनके, लास्ट टाइम जो मैंने देखा था कुछ दिन पहले 3500 फॉलोअर्स थे, और जो 9वें नंबर पे इनके शायद 500 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। इनको जब आप ट्वीट कर रहे हैं ना, नॉर्मल ट्वीट कर रहे हैं, नॉर्मल ट्रेंड कर रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है, तो इनको भी आप टैग करिए, क्योंकि इनके फॉलोअर्स बहुत कम है। जितने कैरेक्टर लिमिट रह गया है आपका ट्विटर में मैसेज लिखने के बाद, इनको टैग करिए, क्योंकि जिसके सिर्फ 3500 फॉलोअर हैं, जिसके सिर्फ 500 फॉलोअर हैं, उनको फटाफट नोटिफिकेशन दिखेगा। और जैसा मैंने पहले बताया, क्योंकि ये इनके डिपार्टमेंट का नहीं है, तो ये क्या करेंगे, जिस डिपार्टमेंट का है उसको ये फॉरवर्ड कर देंगे कि देखो तुम्हारे डिपार्टमेंट वाले लोग मुझे मेल कर रहे हैं या मुझे नोटिफाई कर रहे हैं, तो जरा देखो ये क्या हो रहा है। ऊपर जितने मिशेल बेसलेट वगैरह, UNHRW ये सब लिखा है, इनको भी टैग करिए। नॉर्मल ट्रेंड्स जब आप चला रहे हैं उसमें इन लोगों को इंक्लूड कर लीजिए, कैरेक्टर लिमिट जितना बचा है उसको देखकर, ठीक है। और मेल आपको जो लिखना है ना, मेल का तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा, नहीं तो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप मेल करिए, उसमें सब लंबी कहानी नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट बात करनी है। ह्यूमन राइट्स वाले सिर्फ ह्यूमन राइट वायोलेशन यानी मानव अधिकार का हनन जो हो रहा है ना, उस पे एक्ट करते हैं। तो जो आप ईमेल लिखेंगे ना, ईमेल में आप लिखिए सब्जेक्ट लाइन में, ग्रॉस वायोलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन 85-year-old आसाराम बापू इन इंडिया, ठीक है। ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं जिसपे ध्यान जाएगा कि एक तो 85-year-old है, इंडिया का केस है, ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है। अब बॉडी में आप ये लिखिए कि मेन पॉइंट लिखना है, वो उन्होंने 50 साल से बहुत मानवता की सेवा की वगैरह, ये सब नहीं लिखना है, मतलब ये बहुत डिटेल है तो लंबा नहीं लिखना है, ठीक है। बस ये लिखिए कि द इंडियन दिस इज टू नोटिफाई दैट देर इज ग्रॉस ह्यूमन राइट वायोलेशन हैपनिंग इन इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट्स टू रिलीज द प्रिजनर्स टू डीकंजेस्ट द प्रिजन्स। आप चाहें तो इंटरनेट पे सर्च करके लिंक भी अटैच कर सकते हैं, आया था, ठीक है। तो व्हेन इंडियन गवर्नमेंट हैज क्लियरली, आई मीन इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली डायरेक्टेड द इंडियन गवर्नमेंट टू रिलीज प्रिजनर्स, व्हाई इज द इंडियन गवर्नमेंट नॉट रिलीजिंग आसाराम बापू हु इज 85-year-old एंड वॉज कोविड पॉजिटिव। ये मैंने आपको इंग्लिश में समझाया, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आसाराम बापू को छोड़ दो, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो लोग जिनको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है उन लोगों को छोड़ दिया जाए। तो जो 85 इयर्स से ज्यादा हैं आसाराम बापू, कोविड पॉजिटिव हो गए थे, उनको छोड़ देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंडियन कोर्ट क्यों नहीं मान रही है। तो पॉइंट बस इतने में आपको वाइंड अप करना है। जैसा आपने कहा था रुपेश भाई की वो लोग क्यों सुनेंगे, वो लोग क्यों सुनेंगे, वो तब होता है ना जब आप किसी एक को मेल करें, किसी एक को, इसलिए एक को मेल नहीं करना है। एक ईमेल आपने बना लिया, 15 या 16 बार अलग अलग लोगों को मेल करना है जितने ईमेल आईडीज दिए हैं, और हर मेल में आप सीसी में प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी को रखिए, तो ऑटोमेटिकली इंडियन प्रेसिडेंट और इंडियन गवर्नमेंट को पता चलता रहेगा। सो दिस कैन हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट इन रियल क्विक टाइम, मतलब जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट दिख सकता है इससे। ऐसा, हेलो आवाज आ रही है आपको? तो ये मेरे ख्याल से इस तरह से आपको स्ट्रैटेजी थोड़ा चेंज करनी चाहिए। अभी जिस तरीके से आपने बताया और मैं बहुत अच्छी तरीके से सुन रहा था, यहाँ पर प्रैक्टिकल देख रहा था, और यहाँ पर जो दर्शक हैं वो भी इन तमाम चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि कई चीजें उनके लिए नई है, लेकिन कई बातें ऐसी होती है कि षड्यंत्र का इतना बड़ा बहाव है कि लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हमारी आवाजें कहाँ सुनी जाएंगी और कैसे नहीं सुनी जाएंगी। क्योंकि आप सिस्टमेटिक तरीके से देखें, संत आसाराम जी बापू का जब से प्रकरण हुआ 2008 से लेके, सिस्टमेटिक तरीके से उनको ख़त्म करने का ही प्लान चला और उनके लोगों को दबाने का प्लान चला, और उन्होंने अथक प्रयास भी किए, कई उन्होंने लाठी खाई, बार बार जंतर मंतर में उनको उनके ऊपर अत्याचार किए गए, और आज भी उनके ऊपर सिस्टमेटिक तरीके से अत्याचार किया जा रहा है। जिस देश की सरकारें इतना बड़ा अत्याचार होने के बावजूद भी शांत बनी बैठी रहती हैं, इस देश में रह
वो बड़े बड़े एनजीओ है वो ह्यूमन राइट्स वाले वो भी सब शांत बने रहते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं जो डेटा साइंटिस्ट जिस तरीके से आप बता रहे हैं और उनकी बातें मैंने सुनी तो मुझे जरूर आपको भी इन तमाम बातों में एक सोच एक एंगल रखना होगा कि देखिए जो हर विदेशों में षड्यंत्र होता है विदेशों में षड्यंत्र की भूमिकाएं बनती हैं क्योंकि वो लोग मानवता के आधार पर इतना जीते हैं भारतीय संस्कृति के आधार पर इतना तो हम नहीं मानते लेकिन फिर भी उनका एक अहंकार का लेवल भी होता है। भारत आज जो सरकारें कई देशों में अपने इन्वेस्ट करती हैं वहाँ के तालमेल वहाँ के व्यापारियों से तालमेल बनाकर वो लोग रखना चाहते हैं इसीलिए अगर वहाँ के लोग वहाँ की ह्यूमन राइट्स वहाँ के जो MLA MPs जो सरकारें हैं अगर तो वो अगर इन तमाम बातों में संज्ञान लेके ओनली यहाँ की मिनिस्ट्री को भी फोन करते हैं यहाँ के दूतावास को भी फोन करते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर को भी थोड़ा करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से भारत अपना चेहरा जब इन तमाम बातों में संज्ञान लेकर जब यहाँ के लोगों को बोलेंगे यहाँ की सरकारों को बोलेंगे तो उसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा है कि हर दिशा में काम करना होगा जिसकी जो कैपेसिटी है वो आंदोलन कर सकता है यात्राएं लिख सकता है मोदी जी से डायरेक्ट बात करने की कोशिश कर सकता है अपने अपने एंगल में सब लोग काम करते ही हैं। एक ऐसा वर्ग है जो ट्विटर हैंडल में भी आवाज़ें उठाता है और आवाज़ बड़े पैमाने में उठाई जाती है लेकिन आज हमने जो आपका सहयोग लिया आप जिस तरीके से आप बता रहे हैं तो उन लोगों को इन तमाम बातों में सोचना चाहिए कि अगर हम ट्विटर पे काम कर रहे हैं ट्विटर हैंडलों पर काम कर रहे हैं और अगर हम ऐसे ऐसे इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम टैग करते हैं उनको ईमेल करते हैं उनसे हम जवाब मांगते हैं उनके सामने लेटर्स की बात करते हैं और संत आसाराम जी बापू के बहुत सारे अनुयायी UN में भी हैं लंदन में भी हैं सभी जगह हैं और हर देश में लगभग हैं वहाँ पर भी डायरेक्ट उन लोगों से मिल भी सकते हैं उन NGO से रूबरू मांग भी कर सकते हैं कि भारत में इस तरीके का अत्याचार हो रहा है और ये अत्याचार आपकी आंखों से जो ओझल मतलब आप देख रहे हैं और आप ये सब होने दे रहे हैं ये बहुत बड़ा अत्याचार है क्योंकि आज इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया जुड़ी हुई है एक साथ। पहले के ज़माने में तो एक लेटर जाता था उसे दूसरे राज्य में जाने के लिए कई हफ्ते लग जाते थे और तब तक पता चलता था कि लेटर पढ़ने से पहले ही व्यक्ति मर गया लेकिन आज इंटरनेट के माध्यम से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं हम उनको झंझोर सकते हैं उनसे भी हम सहयोग ले सकते हैं और यहाँ की जो गवर्नमेंट्स यहाँ के जो रूल्स यहाँ के जो लोग अत्याचार को होने दे रहे हैं उसमें कई जो लोग हैं या तो फिर जो भूमिकाएँ अदा कर रहे हैं उन अत्याचारों को होने देने में उस पर भी काम कर सकते हैं CBI जांच भी हो सकती है काफ़ी चीज़ों की आप भी उस लेवल में मांग कर सकते हैं क्योंकि संत आसाराम जी बापू सभी के हैं संत आसाराम जी बापू मात्र शिष्यों के हैं ये बात ही ये गलत है। संत आसाराम जी बापू समाज के हर एक व्यक्ति के हैं और हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है ऐसे संत जो समाज की सेवा में रत रहे और जिन्होंने समाज को इतना दिया वसुदेव कुटुंबकम की जो भावनाओं को हमेशा समाज को देते रहे तो हर व्यक्ति वो जो विदेश में बैठा है उस व्यक्ति के लिए भी इन तमाम बातों को महत्वपूर्ण महत्व देना एक अनिवार्य हो जाता है। तो दोस्तों जो आज की हमारी चर्चा है ये इन तमाम चीजों पर फोकस करती है कि आप जिस लेवल में वर्क कर रहे हैं जिस लेवल में आप संत आसाराम जी बापू के लिए आवाज उठा रहे हैं उन लेवलों में जो ट्विटर की भी बहुत सारे लोग ट्विटर के माध्यम से भी बहुत सारे लोग आवाज उठाते हैं और बड़े पैमाने में उठाई जाती है तो क्यों ना उन तमाम चीजों में एक नया रूप जोड़ा जाए। तो क्या बोलेंगे और आप क्या संकेत देना चाहेंगे जिस तरीके से आपने आज बात रखी ये बातें सुनी जाती हैं एक हद तक सुनी भी जाती हैं और एक हद तक सुनना ही पड़ता है। देखिए मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ इंदिरा गांधी के समय काल में सुब्रमण्यम स्वामी थे सुब्रमण्यम स्वामी के साथ साथ बहुत सारे नेता थे जो कांग्रेस के समय काल में उनको एक साथ इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया था और उनका कुछ भी नहीं सुना जा रहा था तो फिर उसी बीच में सुब्रमण्यम स्वामी वहां अपना देश से बाहर निकल गए और उसके बाद उन्होंने UN का सहारा लिया ह्यूमन राइट्स का सहारा लिया बहुत वहां पर भी काफी आवाजें उठाई तो परिणाम ये आया कि वहां से जब इनके ऊपर फोर्स आने लगा तो जितने नेता लोग यहाँ पर बंद थे जेलों में उनको छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं सरकारें भी अपने पावर में होती हैं और जब पावर में होती हैं तो जब वो सही डिसीजन नहीं लेती हैं तो इनके माध्यम से भी फोर्स डलाया जाता है।
तो दोस्तों अब इस चरण की बातें, कई लोग मेरे से अब सवाल करेंगे कि ये जो षड्यंत्र है सरकारों का ही नहीं है, इसमें मैं जो बात बोल रहा हूं, षड्यंत्र जब भी होता है ऊपर से नीचे लेवल तक आता है, तो सरकारें, स्टीम मीडिया और हर तरीके के लोग जिसे हम हर भूमिका में हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये सबकी जवाबदारियां हो जाती हैं। और एक वो वर्ग जो सत्य के लिए आवाज उठा रहा है और सत्य के लिए लड़ना चाहता है, तो जरूरी नहीं है कि आप करोड़ों की तादाद में होंगे तभी आप इन तमाम बातों को आप समझा पाएंगे या इनके लिए काम कर पाएंगे। मुट्ठी भर लोग भी बहुत कुछ कर लेते हैं, मुट्ठी भर लोग भी बड़े से बड़े काम करते आए हैं, इतिहास गवाह रहा है। आज जो अत्याचार की पॉलिसियां हो रही हैं, जरूरी नहीं है कि अगर सभी लोग सभी एकजुट हो जाएंगे और तभी काम होगा, हम तब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, ऐसा नहीं होता है। आज देश को बहुत आवश्यकता है। संत आसाराम जी बापू ने जो युवा पीढ़ी का निर्माण किया था, उस युवा पीढ़ी को आज बुलंदियों को छूने में एक अहम भूमिका अदा करने के लिए आगे आना होगा। तो सर आपको क्या लगता है और क्या संदेश आप देना चाहेंगे आगे? जी देखिए, जैसा आपने कहा, पहले आपने ये बात कहा कि बहुत ताकतवर लोग आसाराम बापू के खिलाफ हैं, ठीक है, तो इससे मना नहीं कर रहे हैं। बट पॉइंट ये, आप ये देखिए, जैसे OHCHR की मैंने आपसे बात कही, डोनाल्ड ट्रंप भी ताकतवर कम नहीं थे, बट अल्टीमेटली वो हार गए। कोई नहीं कह रहा था कि वो हारेंगे इलेक्शन। तो ऐसा होता है ना, एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है, मतलब एक मूवमेंट शुरू हुई, छोटा सा बर्फ का ढेला ऊपर से गिरना शुरू हुआ और उसमें बर्फ जुड़ते चले गए। तो ये जो है ना, आप घर बैठे ईमेल कर सकते हैं, घर बैठे ट्वीट कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि आपको कई लोगों को करना है, तो सबके सब लोग इसमें जुड़ सकते हैं। आज तक आप सबके पास ईमेल आईडी होता है, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके पास ईमेल आईडी होगा, हो सकता है ट्विटर हैंडल हो, ट्विटर हैंडल नहीं है तो फटाक से बना सकते हैं। जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, मतलब जो पहले कर रहे हैं वो आप करते रहिए, उसमें थोड़ा सा ये भी ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा शिफ्ट होना जरूरी है। जब आप ये देखें कि अब तक की स्ट्रैटेजी से काम नहीं हो रहा है तो ये करिए। और कारण ये है कि इसके सक्सेस होने की संभावना ज्यादा इसलिए, क्योंकि जैसे स्विट्जरलैंड का मैंने आपको बताया, बहुत मींस देयर इज अ लॉट एट स्टेक, बहुत कुछ है ना दांव पे लगा है। अगर स्विट्जरलैंड और इंडिया के बीच जो रिलेशन है, 5 बिलियन स्विस फ्रैंक से ज्यादा का तो FDI से इन्वेस्टमेंट है, 250 से ज्यादा स्विट्जरलैंड की कंपनीज यहाँ काम करती हैं, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं। तो जब वहां से एक मेल जाएगा ना, क्योंकि आप हजारों करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, वो लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप एक को करेंगे ना तो वो मामला दबा सकता है, आप कईयों को करेंगे तो वो दब जाए ये हो नहीं सकता। वहां से एक मतलब क्वेश्चन आएगा इंडियन गवर्नमेंट को कि ये क्या हो रहा है, बिकॉज सीसी में आपने प्रेसिडेंट को रखा ही है, ठीक है, तो उससे इफेक्ट होने के ज्यादा चांस है। इंडियन गवर्नमेंट ना ये सोचेगी कि इतना सारा स्टेक पे 5 बिलियन FDI और इतना सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, बिलियंस ऑफ स्विस फ्रैंक्स है, तो कैलकुलेटिव अप्रोच उनको लेना होगा, ठीक है। हम ये कह ही नहीं रहे हैं कुछ, आप ये कहें कि नहीं वो इनजस्टिस हो रहा है तो इनको छोड़ो, तो उसमें एक लंबा चौड़ा इन्वेस्टिगेशन, हम वो सब नहीं कह रहे ना। हम ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो प्रिजनर्स हैं जिनको मेडिकल एड चाहिए उनको छोड़ो, हमें रिलीफ चाहिए। तो इट्स जस्ट अबाउट वन इंडिविजुअल, मतलब एक व्यक्ति को हम रिलीफ दिलाना चाह रहे हैं। तो एक व्यक्ति को रिलीफ दिला, इंडियन गवर्नमेंट स्विट्जरलैंड से अपने रिश्ते थोड़ी बिगाड़ेगी एक इंडिविजुअल के लिए, आप समझ रहे हैं। सब कुछ देखिए पॉसिबिलिटी पे चलता है, आप कुछ सोचिए कि ऐसा होगा, कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, आप प्लान बनाते हैं, तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड कर रहा है। और ये सब जो है तथ्य, ये एकदम सॉलिड तथ्य हैं, तो इस पे हम सब जुड़ सकते हैं। और ये सिर्फ, जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ आसाराम बापू का नहीं है, जैसे विष्णु तिवारी का एकदम बर्निंग एग्जाम्पल है, शाइनिंग एग्जाम्पल, 20 साल किसी ने जेल में काट दिए, आसाराम बापू उन्होंने 8 साल जेल में काट दिए। मुझे तो लगता है ऑन दिस प्लैनेट, इस धरती पे सिर्फ आसाराम बापू हैं जो 85 ईयर्स के हैं और जेल में। 85 ईयर्स का कोई जेल में होगा क्या? शायद कोई नहीं होगा। मैंने बहुत सारे ह्यूमन राइट्स केस देखे हैं, मतलब बहुत सारे अटेंड, मतलब देखे हैं मैंने, किसी का भी ऐसा इतना हॉरिबल केस, इतना बॉच्ड अप केस ऐसा मैंने नहीं देखा है अभी तक। तो आप बस आप प्रयास करिए, प्रयास में ना पूरा आपका मन होना चाहिए कि हाँ होगा इससे। पॉसिबिलिटीज देखिए, पॉसिबिलिटीज देखनी है तो पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज देखिए, नेगेटिव पॉसिबिलिटीज मत देखिए। जो लोग आपको क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा होगा नहीं होगा, उनका मत सुनिए, अपना करिए। एकदम आपको क्लियर प्लान बताया है, जो पहले कर रहे हैं सुप्रचार आप कर रहे हैं, ठीक है वो भी करते रहिए, ये उसके अलावा थोड़ा सा शिफ्ट करिए तो अच्छा रहेगा, आपको इंटरनेशनल जाना होगा।
तो अच्छा रहेगा, इससे सब जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इन तमाम बातों में यहाँ पर काफी लोगों को शिकायत आ रही है कि इन तमाम बातों में हमें विचार तो करना ही होगा। और जो आज डिबेट रखी गई और डिबेट में चर्चाओं में हमने जो बातें रखी कि ह्यूमन राइट्स के बहुत सारी जो चीजें हैं, लिंक हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। फिर दोस्तों मिलेंगे, अब हमें दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।